हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए करोड़पति बना रहा है ये शेयर। अब आप कहोगे ये स्टेटमेंट काफ़ी एग्जैगरेटेड है और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपको भाई बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं कहूँगा उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने इस शेयर को आईपीओ में खरीदा था या फिर गिरावट में खरीदा था, उन लोगों से पूछिए कि इसमें उन्होंने कितने पैसे कमाए। अगर आप उन लोगों में से एक हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि आपने इस शेयर में कितने पैसे कमाए और आपने इसको अभी तक होल्ड करके रखा है, क्योंकि इसमें है रियल वैल्यू। अब इस शेयर को देखते हैं, आज आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, रिजल्ट देखिए। और रिजल्ट देखने के बाद आप कहोगे अरे वाह भाई, मेरे तो मजे आ गए। अगर आपके पास ये शेयर ऑलरेडी होगा तो आप कहोगे अरे भाई यही फायदा है, मैं हूं असली इन्वेस्टर, मैं पहचानता हूं वैल्यू को जब आप इस शेयर के रिजल्ट को देखोगे। तो चलिए देखते हैं। अब आप सोच रहे होगे यार ये शेयर बहुत कह दिया, नाम क्या है? तो मैं आपको नाम दिखाता हूं अब। और आगे बढ़ने से पहला बताता हूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थोड़ी मेहनत हम करते हैं, थोड़ी मेहनत आप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट कीजिए। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, HDFC AMC जिसको कहते हो। आज की डेट में बड़ी गिरावट आई इसमें, 100 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है, 3.5% के आसपास। लेकिन याद कीजिए वो दिन पिछले साल जुलाई के टाइम पे जब इसका आईपीओ आया था, जब इसके आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, 1100 रुपये में लोगों को आईपीओ मिला था। एक साल एक दो महीना 1100 रुपये में लोगों को आईपीओ मिला था और आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था 83 टाइम्स। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 83 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और जब ओपनिंग हुई थी उस दिन ये स्टॉक 1700 1750 के लेवल को, और हाई जो बनाया था 1842 का, उसी दिन का हाई बनाया था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक वो एक्सपेंस रेशियो वाली जो अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। लेकिन जो वैल्यू को पहचानते हैं उन लोगों ने इसको, जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया, तो उन लोगों ने इसको 1200 1300 के आसपास, तो बहुत लोगों का कमेंट आया था भाई हमने इसको खरीदा, हमारे पास आईपीओ से है, हमने इसको फिर से खरीदा। तो आप भी उन लोगों में से एक हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं क्या आपने इसको डिप में खरीदा था। फिलहाल मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ रिजल्ट, फिर हम बात करेंगे बाकी की चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी है रिजल्ट। रिजल्ट HDFC AMC का मैं सुबह से फॉलो कर रहा था, कब आएगा, लेकिन रिजल्ट अभी आया है 6 बजे के आसपास। तो 6 बजे के आसपास जब रिजल्ट आया है तो मैंने आपके लिए बनाया है वीडियो और आप देखिए रिजल्ट को। अब आप सोचिए अगर आप काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो तो रिजल्ट अच्छा आया होगा। जी अब इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी बढ़िया वैल्यू है तो रिजल्ट तो अच्छा आया ही होगा, लेकिन कितना अच्छा आया है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। HDFC AMC सारे नंबर्स करोड़ में हैं, फिर से देख लेता हूँ, आपको कन्फर्म करके बता देता हूँ। देखिए सारे नंबर करोड़ में हैं और ये देखिए अर्निंग पर शेयर थोड़ा रुपीज़ में आता है, वो करोड़ में नहीं होता, इसीलिए आप ये देखिए 550 करोड़ के आसपास टोटल इनकम इस क्वार्टर में दिख रहा है, यानी कि सितंबर 2019 फाइनेंशियल ईयर का 20 का ये सेकंड क्वार्टर है। यहाँ पे 550 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टोटल इनकम, जो कि पिछले साल सितंबर में था 515 करोड़ का और जून में 550 करोड़ के आसपास। तो लास्ट ईयर से अब तक बढ़त देखने को मिल रही है, जंप देखने को मिला है, लेकिन यही टोटल इनकम की बात है। टोटल इनकम थोड़ा और बढ़ता तो मज़ा आता, लेकिन पिछले सालों का ट्रेंड, पिछले क्वार्टर्स का ट्रेंड वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो दिखाने से पहले मैं आपको प्रॉफिट की तरफ लेके चलता हूँ। अब प्रॉफिट की तरफ लेके जाने से पहले एक्सपेंसेस देखते हैं। 217 करोड़ का लास्ट ईयर का एक्सपेंस था सेप्टेम्बर का, जून में ये एक्सपेंस हुआ 122 करोड़ का, लेकिन इस क्वार्टर में ये एक्सपेंस गिरता हुआ मात्र 121 करोड़ हुआ। तो देखिए टोटल इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंसेस में कमी देखने को मिली है, इसका मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ होगा। सीधे चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये देखिए 297 करोड़, यानी कि 300 करोड़ मान लीजिए राउंड ऑफ करके, लेकिन इस बार कितना 427 करोड़। बिफोर टैक्स में ही यहाँ पे सीधे 127 करोड़ का जंप है, आफ्टर टैक्स में क्या होगा वो भी ज़्यादा दूर नहीं, नीचे ही लिखा हुआ है। 206 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर सितंबर, यानी कि सितंबर 2018। इस बार का प्रॉफिट देखिए 368 करोड़। अरे वाह भाई यार, मतलब जबरदस्त 368 करोड़ का प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे टैक्स में भी बचत है, टैक्स एक्सपेंसेस कमी है, टैक्स के अलावा टोटल एक्सपेंस में कमी है। और यहाँ पे यही प्रॉफिट अभी जून में 290 करोड़ के आसपास था, और ओवरऑल जो जंप मुझे दिख रहा है 163 करोड़ का जंप दिख रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा। 205 करोड़ का अगर 50% भी करते हैं तो 102 करोड़ 103 करोड़ होता है, लेकिन ये 163
163 करोड़। परसेंटेज निकाल लीजिए आप, सिंपल है परसेंटेज निकालना। मैं क्या नंबर बताऊँ, 163 बाई 205 करके इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लीजिए, वो छोड़िए। प्रॉफिट बढ़िया, 163 करोड़ का जंप ओवरऑल प्रॉफिट में। अब देखते हैं अर्निंग पर शेयर में कितना इजाफा हुआ। ये शेयर वन ऑफ द फेवरेट शेयर मैं कहूँगा बहुत लोगों का है। अर्निंग पर शेयर जो 9 रुपये 70 पैसे के आसपास था, 9 रुपये 71 पैसा है ये, खैर 9 रुपीज़ 71 पैसा, ये अर्निंग पर शेयर बढ़ के 17 रुपीज़ 32 पैसा हो गया। अरे वाह भाई, इसीलिए तो लोग इसको खरीद रहे थे। अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो कल की डेट में जंप जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। अब आप कहोगे प्रॉफिट बुकिंग, देखिए मैं अक्सर देख रहा हूँ जो ट्रेंड चल रहा है अच्छे शेयर्स में, जो बहुत अच्छे शेयर्स हैं, वहाँ पे रिजल्ट आने से पहले लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं 1 महीने पहले से, क्योंकि वो बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक का हिसाब किताब रख के रखते हैं। अब इस कंपनी ने 1 रुपया कमा लिया, अब इस कंपनी ने 2 रुपये खर्च कर लिए, इस कंपनी को 10 रुपये का प्रॉफिट होगा या इस कंपनी को 10 रुपये का लॉस होगा, ऐसे हिसाब किताब लिख लिख के रखते हैं। भाई उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनकी काम है ये, उनकी रोजी रोटी है ये, क्यों नहीं करेंगे। तो वो 1 महीने पहले से इसमें खरीदारी करने पर लगे हुए हैं, और अब जाके जब रिटेल इन्वेस्टर सो के जागता है तब वो लोग प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। लेकिन ये शेयर मैं कहूँगा कभी भी आपको गिरावट में मिले तो ऐसा लगता है दो दो शेयर करके रखते रहो भाई, अपने तो रिटायरमेंट फंड है। जब भी गिरे 10-20% गिरे, लो भाई 2 शेयर रख लो, 3 शेयर रख लो, 5,000 का रख लो, 10,000 का रख लो, 1,000 रुपए का रख लो, ऐसी क्वालिटी का शेयर दिखता है मुझे तो ये। अब आप सोचोगे अरे वाह कैसा लगा, सबसे पहले आप बताइए, बाकी आगे की डिटेल और जानेंगे ट्रेंड एंड ऑल, लेकिन पहले बताइए आपको ये प्रॉफिट कैसा लगा, कमेंट के थ्रू बताइए कि कैसा लगा प्रॉफिट, अच्छा लगा क्या। आपने शेयर को होल्ड रख करके रखा हुआ है, मेरा फिर से क्वेश्चन है, अगर होल्ड करके रखा है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं उन वैल्यू इन्वेस्टर्स के नाम जो ऐसे शेयर्स को जमा करते हुए रखें। और पिछली बार जब मैं वीडियो बनाया था इसके ऊपर मैंने, तो बहुत सारे शेयर्स लोग ऐसे हैं उन्होंने कहा भाई मुझे ये आईपीओ में भी मिला था, मैंने ये जब गिरा था फिर भी खरीदा था, और मैं ये 2-3 बार से खरीदते जा रहा हूँ और जमा करते जा रहा हूँ, अब मेरे पास इतने शेयर हो गए। ऐसे भी लोग हैं, वो दो आर द रियल इन्वेस्टर मैं कहूँगा, जो समझते हैं वैल्यू को। अब ये देखिए आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, इसका मैं आपको टोटल जर्नी दिखाता हूँ। जब मार्केट में आया था, देखिए मैं जैसे मैंने आपको बताया 1700-1800 के रेंज में था, लेकिन यहाँ पे जब ये लास्ट ईयर अक्टूबर की जो बुरी बुरी दशा हुई थी, इस शेयर को बिल्कुल निचले लेवल पे ले आई थी 1250 के लेवल पे। अब यहाँ पे इन लेवल पे भी लोगों ने खूब खरीदारी कर रखी है, 1250 1300, लेकिन फरवरी 2019 के बाद जो काया पलट हुई वो आप देखिए, फरवरी 2019 ये 1200 रुपये का शेयर, उसके बाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आपको यकीन नहीं हुआ कि कैसे बढ़ाइए और कहाँ तक बढ़ा। हर बार एक नया जंप, हर बार एक नई रैली, और जैसे ही अभी अनाउंसमेंट हुई थी कॉर्पोरेट टैक्स वाली, उसके बाद भी जंप किया, लेकिन उसके बाद फिर से अभी अक्टूबर में ये 18 अक्टूबर से फिर से बढ़ने लग गया। जैसे ही लग गया होगा भाई रिजल्ट आने वाला है, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद बहुत ही बड़ा जंप। अब देखिए कल और आज में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी ये शेयर आपको, जैसे ये 3200 है, 3200 से 10% नीचे आए, यानी कि 320 रुपये नीचे आए, या फिर 15% 20% जब भी नीचे आए, बहुत बढ़िया खरीदारी का मौका है। और एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन इसका अभी 2600-2700 के रेंज में है, अगर गिर के ये नीचे आता तो और भी बढ़िया। अब आपने देखा मुझे तो रिजल्ट बढ़िया लगा है, अब देखते हैं भाई कैसा लगता है इन्वेस्टर का, क्या रेस्पॉन्स होता है कल की डेट में वो पता लगेगा। कल फिलहाल प्रॉफिट अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इस स्टॉक की, अब आप सोचोगे थोड़ा सा मैं एक नज़र और इसका पुराने हिसाब किताब आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए पुराना हिसाब किताब अगर आप देखोगे, जून 2017 में 165 करोड़ का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट देखिए कैसे बढ़ रहा है, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर ये बढ़ता जा रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और इस बार का प्रॉफिट कितना है, 368 करोड़, जितने पिछले क्वार्टर्स का डाटा मैं देख पा रहा हूँ उन सबसे ज़्यादा ये प्रॉफिट अभी के टाइम पे है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। अगर साल के हिसाब से देखूँ मैं इस शेयर का, आप देखिए प्रॉफिट 478 करोड़, 550 करोड़, 711 करोड़, 931 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन इस बार का प्रॉफिट एक क्वार्टर में इसने 368 करोड़ दिया, तो आप सोचिए ये जो पिछले 12 महीनों का नंबर आएगा ये कितना बढ़ेगा। आप देखिए किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो रहा है ये कंपनी, बहुत ही बढ़िया। अब SDFC AMC की हमने बात करी, इसके टेक्निकल की बात करी, आप खुद देखिए और समझिए इस शेयर को, मुझे लगता है कि एक वैल्यू शेयर है, अगर कभी गिरावट में आता है तो बहुत बढ़िया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका मतलब कि SDFC का जितने भी एसेट्स हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड एंड ऑल, वो सारे यही मैनेजमेंट करता है। चलिए बहुत अच्छा रिजल्ट मैं कहूँगा, बहुत ही बेहतरीन। अब आपकी बारी है, कमेंट के थ्रू बताएं, अगर आप शेयर को होल्ड किए हुए हो, अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हो
कमेंट के थ्रू जरूर आपका अपना फीडबैक बताएं कि आपको रिजल्ट कैसा लगा, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर ही ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टेड रहते हैं भाई। वैल्यू इन्वेस्टर कहते हैं उनको जो ऐसे शेयर खरीद कर रखते हैं। चलिए मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेटेस्ट रिजल्ट आपके लिए प्रस्तुत किया है, तो इतनी मेहनत हमने की, थोड़ी मेहनत आप कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी अप्रिसिएशन मिले। तो मज़ा आता है, थोड़ा सा मज़ा आता है तो मोटिवेशन आती है, समझ रहे हो? जो थोड़ा मोटिवेशन आती है तो मन करता है कि हाँ भाई रिजल्ट और आ रहे हैं, बस आपके लिए प्रस्तुत कर दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।